अयोध्या शहर में बेकरी की दुकान पर पैटिस में मिली हड्डी जैसी चीज। पैटिस में नॉन वेज आइटम मिलने के बाद ग्राहक ने पुलिस से की शिकायत। वहीं ग्राहक की शिकायत पर गुलाबबाड़ी स्थित स्टार बेकरी के कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पनीर पैटिस में हड्डी मिलने की सूचना पर फूड डिपार्टमेंट ने किया मामले की जांच। फूड डिपार्टमेंट ने वेज खाना बनाने का दिया था लाइसेंस, लेकिन बेची जा रहे नॉन वेज श्रवण माह में सभी होटलों को दिए गए थे निर्देश, कोई भी नहीं बेचेगा नॉन वेज। नॉन वेज बेचने के लिए प्रॉपर तरीके से स्टॉल हाउस होना जरूरी है। सील हो सकती है दुकानें, लाइसेंस हो सकता है। प्राइम टीवी न्यूज शनि के लिए आजम खान, अयोध्या। 7 बजे के आसपास एसपी सिटी की फोन कॉल हमारे पास आई हुई है कि स्टार बेकरी पर कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ पाई गई है। उसके संदर्भ में हमने टीम को वहाँ पर भेजा, जो टीम में बाबूलाल जी थे, खास सुरक्षा अधिकारी सदर देखते हैं, इसके बाद एनपीपी जोन 2 का प्रकरण था जो अनूप यादव अनूप सिंह देखते हैं, तीसरे उसमें थे जो है दिनेश सिंह जो सोहावल के खास सुरक्षा अधिकारी हैं। टीम को मौके पर वहाँ भेजा गया तो मौके पर उन्होंने ये जीरा और रस का सैंपल लिया। बाकी तहकीकात की गई तो नॉनवेज के जो प्रकरण वहाँ पर मौके पर नहीं पाए गए जो उनके अंदर बनाए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर उसने 2 लाइसेंस ले रखा था। एक का जो है वह लाइसेंस था बेकरी का, और दूसरा एक जो है रेस्टोरेंट उसके अंदर चला रहा था वो उसका रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था, जबकि ऊपर उसके पहले पूर्व में जो है उसको एक बार जो है निरीक्षण कराया गया था तो वह बेचते हुए पाया गया था। उसको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था कि नॉनवेज का कोई भी चीज़ यहाँ पे न हो, फिर भी उसने नहीं माना है। उसके बावजूद अब उस पर जो है उसका लाइसेंस संबंधित अफसरों द्वारा लिख करके सस्पेंशन के लिए हमको दिया जाएगा, फिर लाइसेंस उसका सस्पेंड किया जाएगा और प्रतिष्ठान को बंद कराया जाएगा। बात से एग्री हूँ कि वह नॉनवेज जो है वह बेचता है, उसका लाइसेंस हमारे द्वारा नहीं दिया गया है, क्योंकि हम नॉनवेज का लाइसेंस निर्गत नहीं करते हैं। इसीलिए उनके खिलाफ जो है वह जो भी लाइसेंस जिस पे उन्होंने हमसे लिए हैं उस पर हम सस्पेंड करते हुए उनके प्रतिष्ठान को जो भी संबंधित प्रतिष्ठान है उसको बंद कराया जाएगा।